आज का दिन बहुत स्पेशल है बिकॉज फ्राइडे, तो आइए जानते हैं फ्राइडे वाले दिन कैसा निकलने वाला है आज का दिन हमारे अपने पवन गुप्ता के साथ, फ्राइडे की राशिफल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की, कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। आज जिन जातकों का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है उनको हमारी तरफ से, पूरे फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन जो है वो मंगलमय हो, और शुरुआत करते हैं आपकी राशियों से। सबसे पहले बात करेंगे एरिस यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज स्थिति थोड़ी सी चिंता वाली, माता के स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ी सी चिंताएं परेशानी बनी हुई है, और कामकाज की स्थिति कहीं ना कहीं आज सुख में कमी भी दिखाई देखने को मिल रही है। थोड़ा सा जो दिन है आपके लिए चिंता परेशानी वाला रहेगा, किसी घर में किसी परिवार के सदस्य को लेके या उनके स्वास्थ्य को लेके किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी हुई है। प्रॉपर्टी में आज निवेश ना करें तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ नहीं है आज का। कामकाज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर ज़रूर हो सकती है, थोड़ा सा मेहनत करें तो समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। आगे बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो लाभ की स्थितियां अच्छी देखने को आज मिल रही हैं। मेहनत के बाद आज लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपने जितनी भी मेहनत करी है उतना लाभ भी आपको ज़रूर मिलेगा, बट जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आज आपको देखने को मिल सकता है। कामकाज की काफ़ी आज साहसी रहेंगे कामकाज के लिए, और पूरे प्रयत्न के साथ अपना कार्य करेंगे और उसमें आप सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे, बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान जरूर रखें। आगे बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज ग्रहों की स्थिति अच्छी और लाभ कहीं ना कहीं से होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का जो है आपका सहयोग बना रहेगा, और कोई आपका मार्गदर्शक भी हो सकता है जिसके कारण आज आपको सफलता मिल सकती है। भाग्य आपका साथ देने वाला होगा, हर प्रकार से आज आप सफल भी रहेंगे। बस एक चीज़ का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी सेहत और अपने खान पीन का ये ध्यान आज आपको ज़रूरी रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आज दिक्कत परेशानी, कहीं लेग्स में चोट लगने का भी खतरा आज हो सकता है। आगे बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो कामकाज की स्थिति आज अच्छी नहीं दिखाई दे रही। बॉस के साथ अनबन, लड़ाई झगड़े आज थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। गुस्से पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अननेसेसरली गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी न किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का केस आपके ऊपर हो सकता है, इन चीज़ों से थोड़ा सा ज़रूर बचना चाहिए। स्थिति ग्रहों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए। कामकाज की अगर बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी कहा, कामकाज अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं व्यापार के लिए भी ये स्थितियां अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेहनत के बाद ही कुछ अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दौड़ भाग रहेगी, थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे आज, किसी निर्णय को नहीं ले पाएंगे। आगे बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज थोड़ा सरकारी क्षेत्र से किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। गलत कार्यों से ज़रूर बचें, कोई इलीगल कार्य ऐसा ना करें जिसमें आज आपको कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि आज स्थिति ग्रहों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। कोर्ट कचहरी का चक्कर आज पड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा आज हो सकता है, और किसी के लड़ाई झगड़े के मामलों में ना उलझें तो आपके लिए जो है वो शुभ हो सकता है। कामकाज की अगर बात करूं तो आज लाभ की स्थिति ज़रूर बन सकती है, बट अगर सोच विचार के कार्य करें तो अच्छा रहेगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आगे बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज भाग्य जो है वो ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है। कई बार क्या है, हम कुछ चीज़ें भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, बट भाग्य पे छोड़ी हुई चीज़ें आज आपको नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं उस प्रकार की स्थितियाँ आपकी नहीं होंगी, और लाभ भी आज कहीं अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। कामकाज भी आज कहीं आपका बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। पति पत्नी में आज संबंध आपके मधुर हो सकते हैं, पति पत्नी आपस में अच्छा एक समय आज व्यतीत करें, परिवार को आज समय दें, कामकाज को छोड़ के थोड़ा सा परिवार में अगर समय देंगे, बच्चों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे तो ये आपके लिए शुभ हो सकता है। आगे बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो स्थितियां ग्रहों की जो है वो आज कामकाज की स्थिति भी अच्छी नहीं है, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा,
और परेशानियां आपकी जो है उलझने वो आपकी बढ़ती जा रही हैं, किसी न किसी प्रकार की उलझने, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा। कोशिश करें कि हनुमान जी को आज लाल सिंदूर चढ़ा के आए तो ये आपके लिए शुभ हो सकता है। परेशानियों का थोड़ा सा आपको हल मिल सकता है। परिवार में भी जो लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश किसी न किसी प्रकार का लगा हुआ है तो आज वो भी थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें तो समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। आगे बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करूँ तो पति पत्नी में संबंध आज काफ़ी ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा, मतभेद, पार्टनर के साथ भी किसी न किसी प्रकार का कलह क्लेश हो सकता है। कई बार हम पार्टनर पे पूरा विश्वास नहीं कर पाते तो वो चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में तंग करती हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे पे विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने भेद किसी को ना बताएं, खुशियों में भी आज कहीं ना कहीं जो है वो आप अच्छे से अवेल नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी प्रकार की कोई गम की खबर भी साथ में आज आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं आज L4 L5 में प्रॉब्लम आपके हो सकती है। कोई भी कार्य जो झुक के करने वाला है वो सावधानी से करें, नहीं तो आज सेहत में बिगाड़ हो सकता है। खास करके बैक पेन जो है L4 L5 का ध्यान आज रखने की जरूरत रहेगी। किसी न किसी प्रकार की बीमारी भी आज आपको कोई पुरानी तंग कर सकती है और थोड़ा सा दिमागी परेशानियां, दिमागी प्रॉब्लम्स भी आज आपको थोड़ी सी हो सकती हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कामकाज की अगर बात करूं तो कामकाज आज थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कामकाज की स्थितियाँ कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, पर पहले अगर आप सेहत का ध्यान रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप अच्छे से अवसर को अपने अवेल कर पाएंगे। आगे बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। पति पत्नी में मतभेद बहुत ज़्यादा और बात कहीं ना कहीं ज़्यादा बिगड़ सकती है अगर आपने एक दूसरे की बातों को नहीं समझा, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझा। और कामकाज की अगर बात करूं तो कामकाज भी आज बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा। काफ़ी अड़चने, काफ़ी परेशानियां जो है वो चल रही हैं और उसका अभी आपको सलूशन नहीं मिल रहा। काफ़ी कंफ्यूज भी रहेंगे कई डिसीजन लेने में, तो संतान पक्ष से भी किसी न किसी प्रकार की चिंता परेशानी जो है उसके कारण भी आज जो है मानसिक परेशानी हो सकती है। आगे बात करते हैं क्वेरीज यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर ज़रूर और हो रही है और आर्थिक स्थिति आगे से बेहतर हो रही है। चीज़ें जो आपने अकॉर्डिंगली प्लान की हुई हैं वो आगे प्लानिंग के साथ बढ़ेंगी। अगर आप उन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको आगे लंबे समय में जाके वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी रहेंगी, तो इसलिए कोशिश करें जो चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट भी करें। अभी समय थोड़ा सा अच्छा है आपके लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये लंबे समय में जाके आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। आगे बात करते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो संतान पक्ष से किसी न किसी प्रकार की चिंता अभी भी बनी हुई है। बच्चों को लेके, संतान पक्ष को लेके और उनकी स्टडी को लेके या उनके करियर को लेके जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जो स्वाभाविक भी हैं, माता पिता परेशान तो होते ही हैं, तो उनका कोई हल निकालने के लिए किसी बुज़ुर्ग की सहायता ली जा सकती है, किसी गुरु की सहायता ली जा सकती है। गुरु के आशीर्वाद से आपको कोई रास्ता भी मिल सकता है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, बट बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, बुज़ुर्गों की सहायता से हमें किसी न किसी प्रकार का मार्गदर्शन मिल जाता है। तो कल फिर मिलेंगे आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।